सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं गेट आउट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो ये 7.7 आउट ऑफ 10 है। अब इस कहानी की शुरुआत एक एंड्रॉय लोगन नाम के थिएटर आर्टिस्ट को दिखाते हुए होती है। वह रात के समय अपना काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। तभी उस गाड़ी में से एक मास्क पहने हुए व्यक्ति आता है और उसे किडनैप करके ले जाता है। खैर, अब कहानी सीधा 6 महीने बाद की चलती है, जहां क्रिस वॉशिंगटन और रोज आर्मिटेज को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। और इसी के लिए रोज क्रिस को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लेकर जा रही होती है। पर यहाँ क्रिस थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है शायद उसके ब्लैक होने की वजह से रोज के पेरेंट्स शादी को मना कर देंगे। पर यहाँ रोज उसे समझाती है और ये दोनों निकल जाते हैं। अब रास्ते में क्रिस अपने एक दोस्त को फोन करता है और कहता है, मैं रोज के घर जा रहा हूँ हम दोनों की शादी की बात करने, और तुम मेरे पीछे से मेरे कुत्ते का ध्यान रखना। पर यहाँ क्रिस का दोस्त रोड विलियम्स, जो एक TSA एजेंट है, वो क्रिस को कहता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि रोज मुझे ठीक लड़की नहीं लगती। पर यहाँ क्रिस रोडी की बातों को मजाक में लेता है और फोन कट कर देता है। और ये अब रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं, तभी अचानक से इनकी गाड़ी से हिरन टकराता है और मर जाता है। इस इंसिडेंट से दोनों काफी डर जाते हैं, पर इसके बाद भी इनकी जर्नी कंटिन्यू रहती है। अब ये घर पर पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको रोज की फैमिली मेंबर्स के नाम बताता हूँ। अब रोज की फैमिली में रोज के अलावा 3 लोग हैं, रोज के पिता डीन आर्मिटेज, रोज की माँ मिसी आर्मिटेज और रोज का छोटा भाई जेरेमी। अब यहाँ मिस्टर डीन क्रिस को अपना घर दिखाते हैं और एक फैमिली पिक्चर दिखाते हैं, जिसमें रोज के दादा दादी भी होते हैं। अब यहाँ क्रिस नोटिस करता है घर के सभी नौकर ब्लैक हैं और सभी क्रिस के साथ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, और वह क्रिस को देखकर एक क्रीपी सी स्माइल करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं सभी लोग एक साथ चाय पी रहे होते हैं, जहाँ मिसिज आर्मिटेज क्रिस से पूछती है, तुम कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताओ। तब क्रिस कहता है, मेरे पिता और मेरी माँ का पहली तलाक हो गया था, और जब मैं सिर्फ 11 साल का था तब मेरी माँ को किसी ने मार दिया। और इसके बाद मिस्टर डीन पूछते हैं, क्या तुम स्मोकिंग करते हो? और जवाब में क्रिस कहता है, हाँ पर मैं छोड़ दूंगा। और तब मिस्टर डीन कहते हैं, चाहो तो मिसी मदद कर सकती है, यह एक हिप्नोसिस्ट है और ये ऐसा करने में माहिर है। क्रिस कहता है, नहीं मैं ऐसे ही अच्छा हूँ। अब रात हो जाती है, जहाँ सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। अब यहाँ जेरेमी भी साथ होता है। जेरेमी क्रिस को देखकर बोलता है, शरीर से तो तंदुरुस्त लगता है, पर इसका पता तो काम होने के बाद ही चलेगा। क्रिस इस बात को समझ नहीं पाता। अब सभी सोने चले जाते हैं। अब सोते समय क्रिस को उसी हिरन के विजन आते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। और फिर क्रिस सिगरेट पीने घर से बाहर निकलता है, और बाहर उसे घर का माली वॉल्टर दिखता है, जो उसकी तरफ बड़ी तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है और उसके पास से निकल जाता है, जिससे क्रिस घबराकर घर के अंदर आ जाता है। अब घर के अंदर आते ही उसे मिसिज आर्मिटेज उसके पास बैठने को बोलती है, और क्रिस उनके सामने बैठ जाता है। अब वहाँ मिसिज आर्मिटेज जैसे ही अपना चम्मच अपने कप में घुमाती है, क्रिस एकदम से हिप्नोटाइज हो जाता है और खुद को एक डार्क वर्ल्ड में पाता है। अब क्रिस इस स्टेट में सिर्फ मिसिज आर्मिटेज की बात ही सुन पा रहा था और अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा था, और मिसिज आर्मिटेज उसकी आंखें बंद कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है और क्रिस को सब कुछ एक सपना सा लगता है। अब इनके घर में एक पार्टी होती है। अब ये पार्टी रोज के दादाजी की याद में रखी होती है। अब यहाँ सभी लोग क्रिस को बड़े अजीब लगते हैं, क्योंकि हर कोई क्रिस की फिजिकल एबिलिटीज को चेक कर रहा था। अब यहाँ भले ही वो लोग आपस में बात कर रहे थे, पर उनकी नजर क्रिस पर ही थी। अब यहाँ व्हाइट लोगों के बीच क्रिस को एक ब्लैक मैन दिखता है, तो क्रिस उससे बात करने जाता है। अब ब्लैक मैन जैसे ही घूमता है, वह और कोई नहीं एंड्री लोगन होता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में गायब हो गया था। अब क्रिस यहाँ उसे पहचान जाता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए उसकी एक फोटो खींचने लगता है, पर फोटो खींचते वक्त गलती से फ्लैश चल जाती है, जो एंड्री की आंखों पर पड़ती है। और उसी वक्त एंड्री उसे कहता है, निकल जाओ जल्दी करो, वरना ये लोग तुम्हें जिंदा लाश बना देंगे। क्रिस कुछ भी समझ नहीं पाता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और वह
शांति से इस बारे में सोचने के लिए जंगल में चला जाता है, जहां क्रिस सबसे पहले एंड्रे की फोटो रूडी को सेंड करता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है। सभी लोग बड़े ही अजीब तरह से क्रिस की तस्वीर को सामने लगाकर एक गेम खेल रहे होते हैं। अब इस गेम को जिम हुडसम नाम का एक अंधा व्यक्ति जीत जाता है। अब रात हो जाती है। क्रिस अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त कंफर्म कर देता है ये वही है और कहता है ये लोग कुछ करने वाले हैं, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। अब क्रिस जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करता है और तभी वहाँ उसे रोज की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जिसमें वह कई ब्लैक लड़कों के साथ होती है। पर जब क्रिस आखिरी दो फोटोज को देखता है, एक में वोल्टर होता है और एक में जॉर्जिना, क्रिस ये सब देखने के बाद बहुत घबरा जाता है और तभी बाहर रोज आ जाती है। अब क्रिस जल्दी से निकलने लगता है, तभी मिसिस आर्मिटेज वही कप और चम्मच लेकर आती है और जैसे ही दोनों को टकराती है, क्रिस बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है, वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने एक टीवी चलता है जिसमें रोज के दादाजी होते हैं और वह क्रिस को कहते हैं सारी चिंता छोड़ दो और क्वेगुला पर ध्यान दो। और कैमरा ऊपर दिखाया जाता है जहां पर एक डियर का स्कल्पचर होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेगुला एक डीमन है और शायद से आर्मिटेज परिवार उसे सर्व करता है। और अब टीवी पर दोबारा वीडियो चलती है जिसमें वही अंधा जिम हुडसम होता है। अब यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। असल में गाइस, यहाँ पर आर्मिटेज परिवार ने माइंड एक्सचेंज करने का तरीका ढूंढ लिया होता है। होता यूं था कि सबसे पहले मिसेस आर्मिटेज विक्टिम को हिप्नोटाइज करके उसकी चेतना को एक अंधेरी दुनिया में कैद कर देती थी और न्यूरोसर्जन रह चुके मिस्टर डीन उसके दिमाग को रिप्लेस कर देते थे और इनके लिए हेल्दी पर्सन को ढूंढने का काम रोज और जेरेमी किया करते थे। और जब कोई नया व्यक्ति इनके चंगुल में फंसता था, तब ये पार्टी के बहाने सभी क्लाइंट्स को इकट्ठा करते थे और उसे पैसों के लिए बेच देते थे। अब यहाँ क्रिस को बेहोश करने के लिए मिसिस आर्मिटेज के चम्मच वाली वीडियो को चलाया जाता है, पर क्रिस ने पहले ही सोफा में से रुई निकालकर अपने कानों में डाल ली होती है, जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं होता। और दूसरी ओर मिस्टर डीन ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और जेरेमी को भेजते हैं क्रिस को लेने के लिए। जब जेरेमी क्रिस को खोलता है, तभी क्रिस उसके सर पर हमला करता है और उसे मार देता है। अब मिस्टर डीन जेरेमी को ढूंढने आते हैं, पर क्रिस उनके सीने में वही हिरण वाला स्कल्पचर घुसा देता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसे मिसिस आर्मिटेज दिखती है और वह जैसे ही अपना कप उठाने लगती हैं, क्रिस बड़ी बेरहमी से उन्हें भी खत्म कर देता है और गाड़ी लेकर निकलने वाला होता है। तभी रोज उसके पीछे गन लेकर आती है और फायर करती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब वॉल्टर और रोज उसके पीछे आते हैं। तब वॉल्टर का सर दिखाया जाता है जिस पर सर्जरी के निशान होते हैं और रोज यहाँ वॉल्टर को दादाजी कहती है। वॉल्टर हमला करता है, तभी क्रिस उसकी आंखों में फोन की फ्लैश मारता है जिससे वो होश में आता है। तब वो रोज से गन लेकर उसी को ही उड़ा देता है और खुद भी सुसाइड कर लेता है। रोज अभी पूरी तरह से मरी नहीं होती। तब एक पुलिस की गाड़ी आती है जिसमें और कोई नहीं रूडी होता है और ये दोनों रोज को अधमरी हालत में छोड़कर निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब गाइस, शुरू में तो ये मूवी थोड़ी सी स्लो है, पर इसकी एंडिंग सेटिस्फाइड होने की वजह से ये एक बेहतरीन मूवी है। अब ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।